भादो माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही यह मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाए तो तत्काल फलों की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं तो मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने आरंभ किया था। ऐसे में यह व्रत जो है आवश्यक रूप से आप सभी को विशेष पूजा अर्चना भगवान शिव की करनी चाहिए। सबसे पहले इस वर्ष 2022 में 14 अगस्त 2022 को जो है यह व्रत किया जाएगा। आवश्यक रूप से आप सब जो है विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करें। सबसे पहले पूजा विधि जान लेते हैं। भगवान शिव की पूजा इस दिन जो है मिट्टी की बनाई गई मूर्ति से की जाती है। आप चाहें तो बाजार से उपलब्ध ही आपके घर पर जो उपलब्ध है वह जो है विधि विधान से किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग करने का रिवाज है। इस दिन नीमड़ी बनाई जाती है, नीमड़ी माता का विशेष पूजन किया जाता है। सबसे पहले तालाब जैसी आकृति बनाकर मिट्टी से बनी पाल बनाई जाती है। तालाब के भीतर नीम की टहनियों के तालाब बनाए जाते हैं। जल और दूध बनाकर तालाब में दिया लगाया जाता है। नीमड़ी माता की विधि विधान से पूजा करें और उन्हें केला, सेब, सत्तू, नींबू, ककड़ी, रोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। और हम जो विशेष रूप से इस दिन सत्तू का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव माता पार्वती को खीर या मेवे से बने प्रसाद का भोग भी आवश्यक रूप से लगाएं। पूरे दिन निर्जला व्रत करते हुए आवश्यक रूप से इस दिन गुरुवार का दिन हो रहा है तो पीले रंग के वस्त्रों का या हरे रंग के वस्त्रों का चयन करें। पूरे दिन भगवान शिव माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करें और नियमों का जो व्रत के नियम होते हैं जैसे कि चुगली इत्यादि न करना, प्याज लहसुन इत्यादि का परित्याग पहले ही रात्रि से करना या पूर्ण रूप से भगवान का पूरे दिन नाम जाप करना आवश्यक रूप से व्रत के नियमों में होता है। विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करने के बाद पूरे दिन व्रत का संकल्प लें और उसके पश्चात जो है आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से रिवाज होता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं आवश्यक रूप से चढ़ाएं और साथ ही पूरे दिन व्रत का संकल्प लेने के बाद शाम को जब चंद्र उदय हो तब जो है अपने व्रत को खोलिए। चंद्रोदय करीब 10 बजे या 9:30 बजे के आसपास इस दिन होता है। इसके साथ ही कई लोग इस व्रत को निर्जला करते हैं, परंतु आप किसी इस तरह से हों कि आप न कर पाएँ तो आवश्यक रूप से जल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो है अलग अलग क्षेत्रों की जैसे मैंने बताया मान्यता है या शरीर साथ न दे तो फलाहार भी किया जा सकता है। तो आवश्यक रूप से कजरी तीज सातुड़ी तीज में झूला भी झूलने का रिवाज है। विशेष रूप से दान पुण्य हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखते हैं तो इस दिन भी आवश्यक रूप से सुहाग की वस्तुएं, हरी रंग की चूड़ियां, मेहंदी इत्यादि, वस्त्र इत्यादि आप अपने घर के बड़े बूढ़ों या किसी विशेष जन को आप दान कर सके तो काफ़ी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह से जो है इसका पूजा विधान होता है और दान पुण्य की विशेष महत्वता होती है। साथ ही इस दिन विशेष रूप से जैसे कि सहरा में लहने लगे हैं, सामान्य तौर पर भगवान शिव की जैसे सोमवार व्रत या इन व्रतों में हम पूजन करते हैं ठीक उसी तरह से व्रत कर सके तो काफ़ी उत्तम और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि शहरों में रहने लगे हैं तो जो हमारे प्राचीनतम समय के पूजा विधान होते हैं वह कहीं ना कहीं हम पालन करने में अब असमर्थ हो रहे हैं। ऐसे में सामान्य तौर पर भी पूजा की जाए तो काफ़ी फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ दान करने का संकल्प ले। आप सभी के लिए वीडियो मददगार रहा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।